हाय, मेरा नाम है क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मगर ये मान लीजिए कि अगले कुछ पल के लिए मैं आपका दोस्त हूं। ये आ रहा है हमारी कॉलेज का सबसे स्ट्रिक्ट आदमी, हमारी कॉलेज का प्रिंसिपल। ये प्राणी जो आप अभी देख रहे हैं वो है हमारी कॉलेज का सबसे लॉन्ग सर्विंग प्रिंसिपल डॉक्टर राजवीर शिखावत। ये आदमी बहुत पंक्चुअल है यार, डिसिप्लिन इसकी रग रग में है। उस दिन भी कॉलेज का एक नॉर्मल डे था जब तक प्रिंसिपल सर नहीं आए थे। देखिए हमारे प्रिंसिपल सर का खौफ। राजवीर सर के बारे में दो चीजें बहुत अजीब हैं। पहली तो कि ही इज एन एथिस्ट, वो भगवान में नहीं मानता, और दूसरी कि अपना ये पॉइंट प्रूव करने के लिए वो पिछले 15 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट करता है। क्या है वो एक्सपेरिमेंट? लेट्स फाइंड आउट। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रिंसिपल सर चौक ऊपर से नीचे फेंकते हैं और ये कहते हैं कि अगर भगवान है तो वो चौक दो हिस्सों में नहीं बटेगा, लेकिन पिछले 15 साल से ये चौक टूटता ही टूटता है। एंड ही प्रूव्स हिज पॉइंट। इन शॉर्ट, राजवीर सर हमारी कॉलेज के शेर है। लेकिन इस शेर को मात देने के लिए भी हमारे पास एक सवा शेर है, और ये आया हमारा हीरो। वैसे तो हमारे हीरो को पूरी कॉलेज जानती है, लेकिन पसंद नहीं करती। क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। नक्श मल्होत्रा, टॉल, डार्क, हैंडसम, जोक्स अपार्ट, इसने तो सीधे पहले दिन से ही प्रिंसिपल सर से दुश्मनी मोल ली। साला पूछता है चौक क्यों टूटा, प्रूफ दो। फिर क्या था, प्रिंसिपल चौक फेंक के क्लास से चले जाते हैं, लेकिन इस बार चौक टूटता नहीं है। इसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसके साथ वो फोन पे बात कर रहा है। ये है उसका बेस्ट फ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका नाम है सिद्धार्थ सिंघानिया उर्फ सिड। ये दोनों सभी काम में एक साथ होते हैं, मोस्टली शरारत में। यहां तक कि अगर दोनों में से कोई एक बंदा क्लास के लिए लेट होता है तो दूसरा उसकी वेट करता है, और फिर दोनों क्लास में एक साथ जाते हैं। इनकी यारी दोस्ती के चर्चे तो पूरी कॉलेज में फेमस है। इन दोनों का क्लास में जाने का तरीका भी दूसरों से बहुत अलग है। क्या है वो, आप खुद ही देख लीजिए।
ये है प्रथा, नक्श की बेस्ट फ्रेंड। इसके साथ साथ हमारी कहानी की हीरोइन की भी बेस्ट फ्रेंड है। नक्श, तुम कभी तो जल्दी आया था। तुम कभी तो लेना आया। हीरोइन, तो हमारी हीरोइन का नाम है अदिति। उसकी पर्सनालिटी बहुत सिंपल है। शी इज सिंपल एंड सोबर। हाँ, एक और बात, शी इज जूनियर टू आवर हीरो। अभी स्टोरी में हीरो और हीरोइन हो और कुछ कहानी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन इनकी कहानी दूसरों से बहुत अलग है। वैसे तो प्रुथा ने नक्श को अदिति के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन जब ये दोनों पहली बार मिले तब क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। फिर क्या होना था, प्रुथा हमारे हीरो से नाराज होकर वहां से चली जाती है और ये दो महाशय उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। कितना मजा आएगी यार। शिट, ये क्या तरीका हुआ। तुम मजाक कर रहे थे, चल यार। Do you guys have any idea वो क्या फेस कर रही है। अबे यार, ऐसा तो क्या फेस कर रही है, तू इतना भड़क रही है। वक्त भी क्या अजीब चीज है साहेब। अगर इंसान का वक्त अच्छा हो तो वो भगवान के बराबर है, लेकिन अगर उसका वक्त बुरा हो तो उसकी जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। ये है अदिति के घर की केयरटेकर मिस सुजैन। अदिति का ये दिन बाकी दिनों से बहुत अलग था। इस दिन अदिति को ब्लड वॉमिट हुई। कोइंसिडेंटली मिस सुजैन ने ये देख लिया और वो सीधे उनके फैमिली डॉक्टर डॉक्टर भाटिया को फोन करने के लिए गई। ये है अदिति के डॉक्टर डॉक्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया, बेबी जी को क्या हुआ है? रिपोर्ट्स निकल आने पड़ेंगे। रिपोर्ट आते ही डॉक्टर, क्या रिपोर्ट्स आए हैं? देखिए,
इट्स अ सीरियस मैटर. दिमाग के कुछ नसों में ब्लॉकेज आ चुका है. शी इज एनसेफेलाइटिस. हे भगवान, अब क्या होगा? देखिए मिस सुजैन, ऐसे केसेस हजारों में एक ही बार आते हैं. अमेरिका कैन ओनली सेव हर. मिस्टर भाटिया, इसका क्या उपाय होगा? अब तो दुआ ही काम कर सकती है. डॉक्टर कहता है मिरेकल कैन ओनली सेव हर. मिरेकल, चमत्कार होना, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और दुआ, भगवान तो देवताओं की दुआएं भी नहीं सुनते. अदिति तो फिर भी इंसान है. अदिति ने डॉक्टर भाटिया और मिस सुजैन को बातें करते हुए सुन लिया, यानी कि उसको अपनी बीमारी का पता चल गया. जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, अदिति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन बढ़ता गया. कैसे हो बेटा? ये लो दूध पी लो, मैं आपके लिए दूध लेके आऊं. एक बार थोड़ा ही लानी चाहिए. एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है. यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया. मेरे साथ ऐसा हर बार होता है, पर इस बार तो भगवान ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है. हर बार मेरी प्रायोरिटीज मुझे चीजों से दूर कर देती है, पर इस बार तो भगवान ने ऑप्शन ही नहीं दिया प्रायोरिटीज बनाने का. मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी, मुझे जीना है, मुझे चीजें महसूस करनी. जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करना था. मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा? कौन ध्यान रखेगा उनका? मेरी मेहनत का क्या? तो मैं क्यों? पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ज़्यादा मत सोच. वो पेड़ देख रही है? आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन मेरी जिंदगी का समय खत्म हो जाएगा. वो आखिरी पत्ता अब से मेरी जिंदगी का वक्त बताएगा. Do you know, she has encephalitis. जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है. ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सभी को बांटे हैं. थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबका किस्सा. आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है. क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है. वैसे तो अदिति को जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में उसको जीने की तमन्ना थी. प्रथा, तुझे पता है मैं मरने नहीं वाली. I'm going to survive. मैंने तेरे को क्या कहा था, याद है तुझे? जब बहुत बीमार थी तो कि वो आखिरी पत्ता जो गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा वक्त बता रहा था जिंदगी का. लेकिन मैं कब से देख रही हूँ वो पत्ता तो गिरता ही नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ प्रथा, की मैं बहुत सारे टाइम जीने वाली हूँ, मैं नहीं मरने वाली. ये साला पत्ता गिरता क्यों नहीं? कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? समझाता हूं. यार उसने कड़ी मेहनत करके 2 साल का जॉब लेके यहाँ पे एडमिशन लिया. उसके कई सारे सपने जो शायद कभी पूरे ही नहीं होंगे. यार एक बात बताओ. बता. एक ड्रीम तो मेरा भी है, जो मैं मेरी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ. बस जिसे बनाकर बस ऐसा लगे कि दिल खुश हो गया, अब लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर. दोस्तों, हमारे हीरो का एक पैशन था कि उसको एक मास्टरपीस बनाना है. दरअसल वो पत्ता पत्ता था ही नहीं, वो पत्ता था अपने हीरो का मास्टरपीस. वैसे तो उस पेड़ का आखिरी पत्ता कब का गिर चुका था, लेकिन अदिति को एक जीने की वजह देने के लिए नक्श ने वो मास्टरपीस बनाया.
अभी प्रुथा को एक कॉल आता है और उन दोनों को ये पता चलता है कि नक्श मर चुका है। और इस तरह हमारा हीरो हमारी हीरोइन को एक नई जिंदगी देता गया। तो इस कहानी का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है कि एनीथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन विल हैपन। जो होना होता है वो होके ही रहता है। अदिति की डेस्टिनी वॉज टू लिव एंड शी लिव्ड। तो चलिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आप सबसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन मैं हूं कौन? सिद्धार्थ सिंघानिया। Shards of golden light borrowed from the sun, precious drops of life gathered one by one, dreams sketched in green, clouds sleeping blue. To sustain life on the greener side, check in at the Fern, leading environmentally sensitive hotel.